दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं बैंक गुरु। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि एक्सिस बैंक में आप जब भी जाते हैं अकाउंट ओपन करने, तो आपको एक्सिस बैंक में दोस्तों 5000 या 10000 आपको मेंटेन करके रखने बोलता है। तो एक्सिस बैंक में अगर दोस्तों जीरो मेंटेनेंस फीस में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप कैसे ओपन कीजिएगा, बैंक में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको बताता ही नहीं है कि जीरो वाला, जल्दी बहुत लास्ट में बताएगा या फिर बताएगा ही नहीं, बोलेगा बस मेरे पास ये है। और दोस्तों उसका ऑनलाइन अप्लाई कर देना होगा आपको, वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। ऐसा भी होता है दोस्तों, मगर बैंक वाले जल्दी बताते नहीं है। कैसे ओपन करेंगे इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं चलिए मोबाइल से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत के पास लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल से भी आप बहुत आसानी से ओपन कर लीजिएगा। इसके लिए हम सबसे पहले चलिए अपने मोबाइल पे जाते हैं और उस लिंक से ओपन कर लेते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ टच करके आप ओपन कर लीजिएगा। और बोलते हैं जीरो मतलब दम जीरो, नहीं दोस्तों, आपके एटीएम को कुछ चार्ज जो कटता है वो कटेगा ही। एटीएम जिस प्रकार का लीजिएगा उस प्रकार का, बहुत सारे बोलते हैं एटीएम का कितना चार्ज, तो एटीएम जिस प्रकार का आपको गोल्ड दिया, सिल्वर दिया, एटीएम के अनुसार दोस्तों चार्ज थोड़ा कम बेसी लगता है। ये हर एक बैंक में एटीएम का चार्ज कटता है, तो इसमें भी कटेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं कटेगा। आपको जो जीरो बैलेंस मतलब है दोस्तों कि आपको मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर एक रुपया नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ ये सब जानकारी रख के दलिए दोस्तों, हम लीजिएगा देखिए यहाँ लिखा है वीडियो केवाईसी से आपको ओपन हो जाएगा। ओरिजिनल पैन कार्ड जरूरी है इसे ओपन करने के लिए, तो चलिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू आपको करना होगा, चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पैन कार्ड, आधार कार्ड मांग रहा और 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यही मोबाइल नंबर आधार से जो लिंक है वो अगर दीजिएगा तो बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले अपना पैन कार्ड यहाँ फिलअप कर दीजिए, उसके नीचे में है दोस्तों आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर फिलअप करेंगे, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो यहाँ 10 डिजिट मोबाइल नंबर को फिलअप करके एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों कुछ एक्सेप्ट करना, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आ गया OTP, आधार लिंकेड मोबाइल नंबर, इसलिए मैं बोला दोनों अलग मत दीजिएगा दोस्तों, एक रहेगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए यहाँ OTP डाल के प्रोसेस आगे किया, तो यहाँ पर्सनल डिटेल आपको आधार से कुछ खींच लिया दोस्तों, तो वो भरना नहीं है। अगर भरना है एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, मगर सही घेज आधार से तो उसको एडिट नहीं कीजिएगा। उसके नीचे है चलिए ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा दोस्तों। ईमेल जैसे वेरीफाई करने गए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सेंड OTP मांग रहा, तो OTP हमको ईमेल में आएगा, उसे फिलअप कर देना है दोस्तों। यहाँ फिर दोस्तों आप शादीशुदा है कि नहीं है, एजुकेशन का डिटेल मांग रहा दोस्तों, ये सब आपको फिलअप करना है दोस्तों। ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं दोस्तों, ये आपको फिलअप करना, आपको ये सब इज फिलअप हो जाएगा दोस्तों। आप एजुकेशन कहाँ तक लिए फिलअप कर दीजिए, इसमें कोई नहीं है ऑक्यूपेशन दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ सैलरी है कि रिटायर है कि हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस है, वहाँ आप जैसा होगा दोस्तों वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सोर्स ऑफ फंड, तो आपको सैलरी के रूप में आता है या बिजनेस है तो बिजनेस इनकम हो जाएगा दोस्तों, या एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर एनुअल इनकम। अगर दोस्तों आप इन फ्यूचर में लोन वोन लेना चाहते हैं तो एनुअल इनकम थोड़ा बढ़ा के लिखिएगा, नहीं तो लोन का ऑफर बहुत कम मिलता है। तो यहाँ आपको जैसा हो आप एनुअल इनकम यहाँ डाल सकते हैं। चलिए यहाँ हम एनुअल इनकम अपना फिलअप कर दे रहे हैं, प्रोसेस किए, तो यहाँ फादर नेम, फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, मदर नेम, मदर लास्ट नेम, ये सब नॉमिनी का में है। तो चलिए ऐड नॉमिनी करके, नॉमिनी था तो नॉमिनी ऐड करने के लिए ऐड किए दोस्तों। नॉमिनी का नाम, रिलेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है नॉमिनी का, एड्रेस आपका और नॉमिनी का सेम है तो यस, नहीं है तो अलग करके आप उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं दोस्तों। ये सब करने के बाद हम अपने नेक्स्ट में करेंगे। आई विश टू नॉमिनी लेटर, अगर नहीं चाहते तो बाद में भी आप रख सकते हैं नॉमिनी, या डू यू नॉट नॉमिनी एनी वन, या नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो नहीं भी कर सकते, या लेटर करके हम आगे पढ़ते हैं। अब आ गए दोस्तों यहाँ परमानेंट एड्रेस, ये आधार से कुछ खींचा हुआ है दोस्तों एड्रेस, अगर एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन मनी लेटर आपको उसी में जाएगा तो आप यहाँ कर सकते हैं। प्यारा दोस्तों बैंक ब्रांच, चलिए यहाँ ब्रांच जो चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ का आप ब्रांच चाहते हैं, एक्सिस बैंक में मेरा खुल जाए। यहाँ चेंज ब्रांच भी है दोस्तों, ऑटोमेटिक आया, आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके दोस्तों आप मन चाह भर सकते हैं दोस्तों। एड्रेस से तो ब्रांच अपने आप आया, चाहते हैं चेंज करना तो चेंज करके यहाँ आप जो बॉक्स है उसको टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सब सेलेक्ट देख लीजिए एक बार कि सही ब्रांच है कि नहीं, फिर चेंज करने में आपको प्रोसेस अलग हो जाता है, तो ब्रांच सही चुन के नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ डिटेल दिखा रहा दोस्तों, रिव्यू डिटेल, तो यहाँ आप देख लीजिए सब डिटेल सही है कि नहीं,
नहीं है तो दोस्तों एडिट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे ब्लर कर दे रहा हूँ सेफ्टी के रीजन से, आप अपना देख के अगर सही नहीं रहे तो एडिट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों ओके किए यहाँ। यहाँ वो बोल रहा क्विक चेक फॉर वीडियो के वाई सी, यहाँ बोल रहा वीडियो के वाई सी होगा दोस्तों। पेन कार्ड आपको ओरिजिनल रखना है, अब कम से कम वाईफाई तगड़ा होना चाहिए या इंटरनेट 4G अच्छा होना चाहिए, ये सब आपको अच्छा होना चाहिए तब आपको वीडियो के वाई सी होगा। आई एग्री कंटिन्यू टू एजेंट, अब आपको एजेंट से संपर्क करना है। इसमें एजेंट आप वीडियो कॉल के द्वारा आपका आधार कार्ड मांगेंगे, सिग्नेचर भी मांगते हैं दोस्तों, और पेन कार्ड का फोटो कैप्चर करते हैं तो आपको रखना होगा। चलिए हाँ हम अलाउ कर देंगे, जब करना होगा आप तब कर दीजिएगा। तो एजेंट कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपको इंटर योर प्रीफ्रेंस नेम, जो आपको ATM आएगा उसमें क्या नाम चाहिए दोस्तों, मनचाहा नाम आप लिखवाना चाहते हो तो नेम ऑफ डेबिट कार्ड, वहाँ पर आप डेबिट कार्ड का नाम लिखवा सकते हैं दोस्तों, जो लिखेगा यहाँ वही आएगा। यहाँ पे हम अपना डेबिट कार्ड का जो आपका नाम है जाहिर सा वही लिख दीजिए, तो यहाँ लिख के प्रोसीड कर देंगे। सेट पिन टू व्यू अकाउंट डिटेल, तो दोस्तों ATM का जो पिन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेट करने के लिए यहीं से दे रहा है कि ATM में आप क्या पिन चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों सेट पिन 4 डिजिट का है दोस्तों, सेफ्टी के रीजन से ये सब दिखाइएगा नहीं तो बताना भी नहीं है। यहाँ 4 डिजिट नीचे भी सेम 4 डिजिट करके सेट पिन यहाँ कर देंगे, जैसे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, ये जुड़ गया उससे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है दोस्तों प्रोसेस। जाना दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर मिल जाता है, सारा डिटेल मिल जाता है। तो ये दोस्तों 1 साल तक अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो काम आ जाएगा दोस्तों। और ख़ास बात है देखिए नीचे में लिखा हुआ एवरेज मंथली बैलेंस 0, आपको कोई रखने की ज़रूरत नहीं, 0 है। और दोस्तों इसे एक बार KYC बैंक में जाके 1 साल के अंदर करवाना जरूरी है, नहीं तो 1 साल के बाद ये बंद हो जाता है, ताकि अभी वीडियो KYC के द्वारा हुआ है दोस्तों। आप एक्सिस बैंक में आसानी से 0 बैलेंस खाता खोल सकते हैं। आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों आपको किसी तरह का अभी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।